ठीक है। अभी हम लोग जो चैप्टर करने वाला, उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है एक्चुअली? अगर देखा जाए रिफ्लेक्शन में, पहले बताता हूँ। मान लो स्ट्रेट लाइन है, आपका मीडियम है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। रिफ्लेक्शन के केस में कैसे होता है, जैसे का मान लो एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट होता है और उसी मीडियम में बाउंस बैक होता है, उसी मीडियम में बोल रहा हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन मतलब कैसे होता है, अगर कोई भी लाइट यहाँ पे बाउंस होती है, ये थोड़ा बेंड होता है एक सर्टन एंगल पे, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। तो उसका डेफिनेशन देखो, स्ट्रेट जा रहा है क्या लाइन? नहीं, ये बेंड हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। रिकॉर्डिंग ठीक है, कॉल्ड एज रिफ्रेशन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। उसके बाद एक टॉपिक आता है कॉज ऑफ रिफ्रेशन। रिफ्रेशन के पीछे कॉज क्या होता है? एक मेन कॉज है, उसका नाम है स्पीड चेंज ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये मेन कॉज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन है, मीडियम है आपका, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एयर मीडियम है, यहाँ पे वाटर मीडियम है। रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे आया, तो ये सीधा जाएगा क्या? यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, मान लो 3 × 10⁸ है। लेकिन अगर अपनी मूवी में भी देखा होगा, जैसे बंदूक की गोली एयर से पास होते बहुत दिखती भी नहीं, लेकिन जैसे वाटर से पास होते दिखना चालू होता है। क्यों? उसका स्पीड क्या होता है उस केस में? कम होता है। तो कम हुआ तो ये क्या होता है, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा बेंड करेगा। तो जब भी कभी स्पीड कम होता है तो आप बेंड मतलब गिर जाते हो, राइट? और कहाँ पे गिरते हो? जो नॉर्मल होता है, जहां पे आप टर्न ले रहे हो उस साइड पे गिरते हो, तो बेंड होता है टूवर्ड दी नॉर्मल। ये कब होता है? व्हेन पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसके बेसिकली तीन केसेस है। तीन केस कौन सा है? एक है रेयर टू डेंसर मीडियम, दूसरा है डेंसर टू रेयर मीडियम, तीसरा है सेम मीडियम। ऐसे ऐसे तीन पार्ट्स है। तो रेयर टू डेंसर के केस में क्या रहेगा? यहाँ पे मान लो एयर है और यहाँ पे मान लो वाटर है। तो इसके बाद जैसे लाइट स्ट्रेट अप लाइट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे गिरेगी, तो ये क्या होगा? स्पीड कम होगा तो बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कौन से केस में जाएगा? रेयर टू डेंसर। क्यों? डेंसर में आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? हमेशा कम होता है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? दूसरा, डेंसर टू रेयर के केस में क्या होता है? मान लो आपका यहाँ पे वाटर मीडियम है और यहाँ पे मान लो एयर मीडियम है, तो रेयर ऑफ लाइट यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से सीधा जाएगा फिर? नहीं, ये बेंड हो रहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो अवे हुआ कि नहीं, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? टूवर्ड द नॉर्मल और यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कौन से केस में होता है? डेंसर टू रेयर के केस में। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? लेकिन जब भी कभी यहाँ पे भी वाटर मीडियम है, मुझे एयर मीडियम मानते हैं, और यहाँ पे भी एयर मीडियम है, तो आपका स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा क्या? नहीं। तो स्पीड चेंज हुआ होगा ही नहीं, चाहिए वो सीधा जाएगा। ऑल सेट है। और एक केस आता है जब आपका रिफ्रेशन ऑफ लाइट सीधा जाएगा पूरा, उस केस में सीधा के सीधा जाएगा, क्योंकि इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? हमेशा कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होता है? इसके पीछे की स्टोरी ये है,
हम लोगों को हमेशा आदत रहती है हम लोग एंगल ऐसे मूछते हैं, इस हॉरिजॉन्टल एंगल मूछते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में रिफ्रेशर में आपको जो भी एंगल मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब मैं ऐसे मेजर करना, अगर कोई लाइन इसके ऊपर ही है तो उसका एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी इस केस ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग वर्टिकली देख रहे, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ इस केस में, 0 हुआ, तो एंगल इंसिडेंट 0 हुआ तब के वो सीधा जाएगा, कभी बेंड होगा क्या, नहीं, ऐसे 4 केसेस बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, कंडीशन फॉर नो डेविएशन का क्या आएगा, एक है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू सेम मीडियम, बराबर है, एक है, दूसरा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, ये दो केसेस है, तब आपका एंगल कभी भी रिफ्रेक्शन कभी नहीं होगा, मतलब डेविएट नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं कंडीशन फॉर नो डेविएशन और कंडीशन फॉर नो रिफ्रेक्शन, बराबर है, ओके। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन पूछते हैं, इसके दो लॉज है बेसिकली, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस द रेशियो ऑफ, देखिए स्टेटमेंट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, समझ में सबको, एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है इसकी जगह क्या आएगा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या है, इट इज द एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल सेट है, ये आपका क्या हुआ फर्स्ट लॉ हुआ। सेकंड लॉ क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी सेकंड लॉ क्या बताता है, इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ये तीनों भी क्या है सेम प्लेन, मैंने आपको सेम प्लेन का मीनिंग बताया था, सेम प्लेन मैंने अभी ये मैं वर्टिकल पे ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा ये, राइट, लैपटॉप पे हो सेम, तो ये पूरा आपका डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी नॉर्मली तीनों भी वर्टिकल दिखेंगे, राइट, मैं लिख रहा हूँ राइटिंग पैड से, कौन से एंगल पे लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हॉरिजॉन्टल आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी हॉरिजॉन्टल आएगा एंड नॉर्मल भी हॉरिजॉन्टल आएगा, ऑल सेट है, ठीक, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका और एक पॉइंट है, नया टॉपिक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स सी बी लिटी, एक शॉर्ट में स्टेटमेंट है, अ पाथ टू बी रिवर्स्ड कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक ग्लास का एक क्यूब है ऐसा, ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होती है, ये कौन से मीडियम है, एयर मीडियम है, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ये कौन से मीडियम है, डेंसर है, नॉट में एयर टू डेंसर स्पीड कम होगा, जैसा ज्यादा होगा कम होगा, कम हुआ तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा, तो बेंड क्या हुआ टूवर्ड द नॉर्मल, बराबर है, सब लग रहे इस पॉइंट पे,
अभी आप बताओ, ये डेंसर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, मतलब एयर मीडियम है, तो स्पीड बढ़ेगा कम ज्यादा होगा? बढ़ेगा, तो ये क्या रहेगा? ऐसा जाएगा बड़ा। अगर अभी मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया उल्टा, तो पहला पाथ कैसा था? इसी पाथ से जा रहा था। अभी मैंने यहाँ पे मिरर लगाया तो क्या होगा? यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट होगा, तो सेम पाथ ट्रेवल करेगा कि नहीं? बराबर है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स। तो आपको ये डायग्राम निकालना होता है। अ पाथ टू बी रिवर्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में? ऑल सेट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा, यू ए आर, उल्टा लिखा, यू आर ए इक्वल टू वन। यहाँ पे एक ही जगह आप डेंसर लिखो या मीडियम लिखो, कुछ भी चलेगा, बस आपको ये उल्टा होना। ए आर लिखा तो आर ए लिखा, उनका रेशियो कितना, मल्टीप्लिकेशन कितना होता है हमेशा? वन होता है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? इसके बाद आता है टॉपिक लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वही रूल, यहाँ पे गया इसके ऊपर, और क्या हुआ? इंसिडेंस हुआ यहाँ पे, आए यहाँ पे, इंसिडेंट होने के बाद कहा जाएगा? ऐसा जाएगा ना। माय क्वेश्चन इज कि यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस केस में, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट सीधा जाना चाहिए? सीधा गया क्या? नहीं। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन, ये कौन सा रे बताइएगा? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है? इमर्जेंट रे। तो डेफिनेशन क्या बताता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे कॉल्ड एज रैटलर डिस्प्लेसमेंट। बराबर है। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन होता है, फैक्टर अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, दूसरा आपका उसका वेवलेंथ कितना है, तीसरा आता है ये ग्लास क्यूब की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड। ऑल सेट है, एग्जाम में पूछते हैं जो हम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी दे दिया। ओके। इसके बाद आता है एंगल ऑफ डेविएशन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्यूब निकालना पड़ेगा। बराबर है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा ट्रैवल हुआ यहाँ पे, देखो ना, आप टेल आप बताइए, यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे रेयर डेंसर मीडियम है, तो स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम हुआ तो ये क्या होगा? बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा। ये सीधा जाएगा क्या? नहीं, ये सीधा नहीं जाएगा, इसलिए मैं एरो दिख रहा हूँ, ये सीधा नहीं जाएगा, उसने बेंड किया। तो यहाँ पे है डेंसर मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे स्पीड कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या आएगा? ऐसे बाहर आएगा। तो आपका रे रे कैसे हुआ? ये वाला पाथ हुआ। बराबर है। तो एंगुलर डेविएशन किसे बताते हैं? अगर मैं इस रे को थोड़ा यहाँ पे ऐसे बढ़ा दूँ, इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ, तो ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगुलर डेविएशन की डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। सब लग रहे इस पॉइंट पे? ये वाला।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। यहाँ पे एंगल किसके ऊपर डिपेंड है, दो पॉइंट लिखना है आपको। पहला आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड है, दूसरा है ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतना दूर तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो अफेक्ट होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, ये वाला होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑल सेट है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिज्म का एक डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है बेसिकली, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय फाइव सर्फेसेस कॉल्ड एज प्रिज्म। फाइव नहीं, थ्री होता है, आई थिंक फाइव या थ्री होता है, कुछ थ्री होता है शायद से, ठीक है। उस केस में उसे बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। ऑल सेट है, ओके। उसके बाद आता है ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या बताता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पता, एक एक वर्ड कुछ कहते गलत है मुझे पता है, ठीक। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ ग्राफ। क्या एक्सप्लेन करते हो, देखिए जैसे आप राइट पे जाओगे ऑब्जर्व, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर। एक पॉइंट होगा, इनिशियली क्या होता है, हम लोग बताएंगे, इनिशियली एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस, बराबर है। सेकंड पॉइंट, एट सर्टन पॉइंट एट सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक सर्टन पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए उसका एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा, राइट। तीसरा, लेटर ऑन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। ये आपका थ्री पॉइंट है। एग्जाम में पूछते हैं ड्रॉ द ग्राफ फॉर द एंगल ऑफ डिविएशन, और इसे क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट में मिनिमम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। व्हाट इज डिविएशन, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद यहाँ का लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैं ट्राई करना चाहूंगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे या ये वाला एंगल है, एंगल मान लो ये 30 है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, शायद एंगल ऑफ 35 लेते हो, सॉरी मैं गलती किया मैंने, ये मान लो 35 डिग्री है, तो शायद ऐसा होगा। और ये वाला एंगल है, देखिए अभी अभी मेरा स्टेटमेंट सुनिए, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना रहेगा आपका, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा एंगल किससे मोजते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मोजते हैं, काउंट करते हैं, तो कितना आएगा एंगल, 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखो, क्रिटिकल एंगल मोस्टली 42 डिग्री होता है, राइट। तो उस केस में क्रिटिकल एंगल किसे बोलेंगे, देखिए स्टेटमेंट देन सुनिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, अमित नको ना, फॉर विच
एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज 90 डिग्री, कॉल्ड कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। समझ में किसी डाउट है अब इस केस में? चलो एक मिनट, मेरे बेटा क्रिटिकल एंगल क्या बताता है, देखो हिंदी में बताता, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो वही के लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज 90 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है वाला, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होगा, ये भी अपना होगा। देखिए यहाँ का इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। एक सिंगल वर्ड में एक ही फॉर्मूला तो सब जगह यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड इन लाइट, स्पीड इन एयर टू द स्पीड इन दैट मीडियम। एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, याद होगा पूरे चैप्टर में, समझ में, एक ही फॉर्मूला है जो सब तरफ यूज होगा। और एक फॉर्मूला होता है वो है एपरेंट डेप्थ का, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं ऊपर ही उसका फॉर्मूला है, देखो ये शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 अपॉन u। यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला था। शिफ्ट मतलब कैसे होता है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लास का जार है, यहाँ अगर अगर मैंने कोई भी स्टिक ऐसा बेंड किया, मतलब पानी में रखा, एक्चुअली देखिए मैं क्या बोलना चाहता, अगर पानी में ऐसा रखा तो एक्चुअली दिखता कैसा है, वो थोड़ा ऊपर दिखता है, इस पॉइंट पे दिखता है। तो ये रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। और एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, इसने पोजिशन से वो क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, राइट। और इसे बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, समझ में आया। तो ये हुआ रियल डेप्थ हुआ, इसे बोलते हैं शिफ्ट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो आपके दो फॉर्मूले थे, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन u, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है, इससे काम बनेगा शायद से, ठीक है। तो हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये और एक फॉर्मूला क्या है, ये वाला समझ में आए, रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपेरेंट डेप्थ इनटू यू। एक क्वेश्चन पढ़िए अभी, अ वाटर पॉन्ड्स अपीयर टू बी 2.7 डीप, ओके, अपीयर्स मतलब अपेरेंट डेप्थ बोला है, टू पॉइंट सेवन मीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना उन्होंने कितना बोला है, 4:3। फाइंड क्या करने के लिए बोला है, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ मैंने बराबर। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपना वही फॉर्मूला, रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट इनटू रिफ्रैक्टिव, एपरेंट डेप्थ कितना है 2.7 है, रियल डेप्थ कितना है 4 अपॉन 3, 3 मतलब 3 ये 0.9 आएगा, 0.9 इंटू 4 कितना है 3.6, और ये सेंट ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आएगा। अगर ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन सही है, इजी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कॉइन इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितने दिया,
पांच बजे बाय। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, थोड़ा आधा क्वेश्चन इधर है, आधा इधर रहेगा। क्या लिखा देखो, बाय व्हाट हाइट बोला है, समझ में आ रहा है? व्हाट हाइट ऑफ द क्वाइन अपेयर टू बी रेज व्हेन सी फ्रॉम वर्टिकली अबाउट। ओके क्या पूछा देखा, अ क्वाइन इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर डेप्थ टू द डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि रियल डेप्थ उनका कितना है, 12 सेंटीमीटर है बराबर। बाय वॉट हाइट मतलब उन्होंने कितना शिफ्ट होगा, कितना ऊपर दिखेगा वो बराबर। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन u। तो रियल डेप्थ है 12 है, ये 1 माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 3 है, ये 3 डिनोमेटर पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 1 माइनस 3/4। इसका कैलकुलेशन अगर, इसका कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है 1 है, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कैसा आएगा, इन दोनों का, इन दोनों का, तो 12 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 4, तो 4 1 4 4 3 12, तो 3 इंटू 1 आंसर आया 3 सेंटीमीटर, राइट। तो कितने से हाइट ऊपर होगा, वो हाइट होगी उसकी, शिफ्ट होगा 3 सेंटीमीटर पे, आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लॉजिक से, ठीक क्वेश्चन में लिखा है अब पोस्टेज स्टैंप इज केप बिलो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया 1.5। व्हेन व्यू वर्टिकली अबव इट अपीयर्स टू बी रेज बाय 7 mm। बगैर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अपीयर्स टू बी रेज मुझे कितना है यहाँ पे, उन्होंने क्या बताना चाहते हैं, वो शिफ्ट हुआ है, कितने से हुआ है, 7 mm। नॉट टेल मी 7 mm यानी कितना सेंटीमीटर है, हाँ 7 mm यानी 0.7 सेंटीमीटर, याद रखें, समझ में आया। द रूल इज क्या है, अगर ये 7 mm है उसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 0.10 करना पड़ता है, डिवाइड बाय 10 करो तो कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर आएगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, ऑल सेट है, ठीक है, अपना वही फॉर्मूला, तो शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन u। तो रियल डेप क्या मुझे ढूंढना है, यह आया मेरा 0.7 आया, रियल डेप मुझे ढूंढना हो 1.5 है, देखो 1 डिवाइड बाय 1.5 लिखा। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए आप, एग्जैक्टली तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5। देखो पॉइंट नीचे है, वो निकालने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो दिखेगा ऐसा है वैसे के लिए। वन माइनस 10 अपॉन 15, ये 2 बाय कितना आएगा, ये आएगा, तो 0.7 इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू, देखो ये दिखेगा ऐसे 1 माइनस 2/3 आए, इसका एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3, और ये आया मेरा रियल डेप्थ 0.7। तो 0.7 इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1/3, ये डिवाइड उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, 0.7 इंटू 3 इक्वल टू रियल डेप्थ, तो कितना ये 2.1 सेंटीमीटर इक्वल टू रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितना है 22.1 सेंटीमीटर। किससे डाउट है इस केस में, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला, ये अभी जो ले रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं ऐसा वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितना दिया है, 1250। तो वेलोसिटी यहाँ पे डायमंड फॉर डी लिखता हूँ, कितना दिया है 125,000 किलोमीटर पर सेकंड। अभी किलोमीटर पर सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 125, ये देखो ये कितना है, सॉरी ये मैंने गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा बना दिया, तो कितने जीरो, ये 3 जीरो, तो 10^3 किलोमीटर पर सेकंड, 125 इंटू 10^3, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर है, 1000
1000 मीटर, 1000 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10^3 मीटर पर सेकंड, इसीलिए मैं 10^3 लिखा। तो ये दिखेगा कैसे, 125 × 10^6 मीटर पर सेकंड। ये रूल है अपना मैथ्स का। अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर की एडिशन करते हैं। तो वेलोसिटी इन डायमंड कितना है, 125 × 10^6। वेलोसिटी ऑफ एयर उन्होंने खुद बताया 3108, ऐसा नहीं एक्चुअली, ऐसा है 3 × 10^8। ओके, रिफ्रैक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन डायमंड। तो 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 125 × 10^6, तो ये आएगा 10^2 आएगा। यहाँ पे कटेगा तो 10^2 आएगा 3 × और ये आएगा 125। तो 3 × 10^2 यानी कितना आता है, 100 आता है। 300 / 125, इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिविटी इक्वल टू 300 / 125, 25 5 25 1 5 25 2, तो 12/5, तो 2 पॉइंट कितना है, 4। सही है, किससे डाउट है, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन्होंने कितना बताया, 4/3 बताया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोला है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़िए थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है, ये लिखते हैं हम उल्टा लिखते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना बताया उन्होंने, 4/3 बताया। अभी उन्होंने क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाद में लिखा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये उल्टा है कि ना पूरा, तो ये उल्टा है तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 3/4। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम दिया है। रे ऑफ कुछ रे ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ दिया है, ये दिया है 5400। आपको पता है एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या आता है, 5400 एमस्ट्रॉम यानी 10^-2 मीटर। ओके, एयर टू ग्लास लिखा है, लैम्बडा ए लिखता हूँ, हमें क्या करना है, लैम्बडा जी निकालना, बराबर है। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने कितना दिया है, 3/2 दिया है। अपना फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 3/2। हम लोग जो स्पीड बोलते हैं, बराबर ना, स्पीड इन लाइट बोलते हैं, वैसे ही फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पे क्या आता है, स्पीड की जगह हम लोग क्या लिखना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इन लाइट, इन एयर बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास बोला है, राइट, ग्लास के बारे में बता रहे थे। तो मैं ऐसा लिखूंगा फिर, 3/2 आया, 5400 एमस्ट्रांग यानी 10^-2 है, मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ इन ग्लास निकालना, बराबर है। यहाँ पे 10^-10 करना है क्योंकि एमस्ट्रांग है, मैं गलती से हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू साइन है तो हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 3 × λg वेवलेंथ इन ग्लास इक्वल टू 2 × 5400 × 10^-10, बराबर। तो कितना आया, 0 0 5 2 4 8 आया, 5 × 10 × 10^-10, बराबर 3 × वेवलेंथ इन ग्लास। तो वेवलेंथ इन ग्लास इक्वल टू 108 00 × 10^-10, वैसे ही रखते हैं हम लोग, अपॉन 3 लिखते हैं, 3 3 9 हुआ, बचा 1 1 का हुआ 18 6 हुआ 0 0, तो कितना है, 3 6 0 0 × 10^-10। अगर ऑब्जर्व करो, 10^-10 मतलब क्या, हम लोग उसको बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग ही बोलते हैं, तो आए गए 3600 एमस्ट्रॉन्ग। किससे डाउट है इस केस में, फिर तुम काय प्रॉब्लम कर रहे थे, ऑल सेट है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू ग्लास। अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लैम्बडा। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी एंड ग्लास इज वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वी। तो रिफ्रैक्टिव का फॉर्मूला क्या है? यू इक्वल टू वेलासिटी इन एयर बराबर अपॉन वेलासिटी इन दैट मीडियम, बराबर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इन एयर के लिए उन्होंने सी माना है, बोला है। वेलोसिटी इन दैट मीडियम के लिए उन्होंने क्या बोला? बी लिखा। हो गया आपका फॉर्मूला एक रिलेशन में एक मार्क के लिए, बराबर। रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वी। उसके बाद क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन जी, राइट। हमें क्या करना है? यू, ये जो सी मतलब क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है, राइट। तो वेवलेंथ के केस में वही होगा, राइट। और इसके केस में लैम्बडा जी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। और उन्होंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया उसकी वैल्यू में 1.5 लगेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये डी बाई डी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 1.5 इंटू वी इक्वल टू क्या आएगा? सी आएगा। सेम लॉजिक, इसका वैल्यू क्या है? 1.5 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ ए अपॉन वेवलेंथ ऑफ जी। तो ये क्या लिखूंगा मैं? वेवलेंथ ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स लैम्ब्रा जी। ठीक है, किसी डाउट है इस केस में? हो गया, चैप्टर इतना ही, ऑल सेट है।